बड़े जबरदस्त गिफ्ट मिले हैं तुम्हें तो। वो भाभी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट बर्थडे थी ना, तो दोस्तों ने दिए हैं। तुम्हारी दोस्तों ने दिए हैं या फिर तुम्हारे दोस्तों ने दिए हैं? क्या मतलब भाभी? अच्छा जाओ गरम गरम रोटी बनाओ। वो मैंने तो चावल बनाए लेकिन। हाँ बीबी, तुम जो बनाओगी वही खाना हम पर फर्ज है ना। वैसे मुझे तुम एक बात तो बताओ, ये जो तुमने पढ़ाई के चौंचले पाल रखे हैं, अगर तुम ये चौंचले ना पालती तो अलीम के इतने सारे पैसे ना लगते, और ये जो अलीम के इतने सारे पैसे लग रहे हैं ना, उसमें से थोड़ी सी बचत हो जाती तो मैं भी मुलाजमा रख लेती, चार दिन यहाँ पर मेरे भी जिंदगी के सुखी गुजर जाते। पर नहीं भाभी, आपको पता है कि मैं भाई पर बोझ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हूँ। वाह जी वाह, सीधी बात तो गलत लेकर जाना कोई जिमल मैडम से सीखे। बोझ का मतलब समझती हो तुम? समझती हो तुम इसका मतलब? वैसे मैं ऐसी कोई बात करना नहीं चाहती कि फिर लोगों तक बात फैल जाए और फिर मुझे दूर बैठी तुम्हारी बहन किरण को सफाइयां देनी पड़े, और तुम्हें पता है ना कि मुझे सफाइयां देना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है भाभी। तो फिर कैसी बात है? गधे को गधा कहो तो समझ में आता है, मगर नायला को ना गधा कहो ना समझो। मैं तुम्हें साफ बता रही हूं। हाँ जाओ, शयान ने साफ साफ कह दिया है वो चावल नहीं खाएगा, तो उसके लिए रोटी बना दो। बना देती हूँ। संभाल लो अपने तोहफे।